तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों आज का इस वीडियो थोड़ा सा अलग है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आते रहती है रियलमी मोबाइल में, जैसे कैमरे से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड और भी बहुत सारे इशूज़ रहते हैं, तो मैं मोस्टली यही सलाह देता हूँ कि मोबाइल को रिसेट कर लीजिए। बट यहाँ पर बहुत से लोगों को डर रहता है कि यहाँ पर डाटा डिलीट ना हो जाए, तो यही सब आज बताऊँगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि मैं बहुत से लोगों को यही बोलता हूँ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो रीसेट कर लो, अगर छोटे मोटे ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो जो ऐप डाटा है वो क्लियर कर लो। तो यहाँ पे जैसे कि आप लॉन्ग प्रेस करोगे किसी भी ऐप को तो वहाँ पर आपके जाके डाटा जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो ये तो रही ऐप्स की बात, बस दोस्तों सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, जैसे कि नेटवर्क रिलेटेड इशू, अगर इनकमिंग नहीं आ रही है या फिर आपका कॉल वेटिंग का प्रॉब्लम है, या फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल में कार्ड जो है वो डिटेक्ट नहीं होता है, या फिर बहुत सारे और भी इशूज़ रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बोलता हूँ कि सिस्टम रीसेट कर लीजिए। तो सिस्टम रीसेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका सारा का सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाए। कभी कभी मुझे कमेंट्स आते हैं कि जो हमारे मोबाइल है उसमें जो टार्च है वो वर्क नहीं कर रहा है, फ्लैश ऑन नहीं हो रहा है, तो कभी कभी जायरोस्कोप वर्क नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करना है, आपको सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे आपको बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत से लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब दोस्तों आप आओगे तो आपको रीसेट फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। रीसेट फैक्ट्री सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करना है। थर्ड वाला ऑप्शन कभी भी चूज़ नहीं करना है, इसमें क्या होगा आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। सेकेंड वाले ऑप्शन में जो है कि आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा और जो ऐप्स है वही क्लियर हो जाएंगे। तो हमें जो है सिस्टम रीसेट सिस्टम सेटिंग के ऑप्शन को चूज़ करना है। यही ऑप्शन है यहाँ पे जो सिस्टम की जो सेटिंग है पूरी फैक्ट्री से जैसा मोबाइल आता है वैसी हो जाती है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, रेड कलर से यहाँ पे लिख के आएगा रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर रिस्टोरिंग ऑन हो जाएगी। मीन्स दोस्तों जो बॉक्स पैकिंग में आपका मोबाइल आता है फैक्ट्री से वैसी ही यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी और सारी सारी जो ऐप्स है उसका जो छोटा मोटा जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा करने से दोस्तों आपके मोबाइल का कोई भी डाटा नहीं उड़ेगा, यकीन मानिए, बस आपका जो सिस्टम है मोबाइल का वो यहाँ पर रिसेट हो जाएगा, यानी एज इट इज़ जैसा था वैसा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना मोबाइल एक बार रीसेट कर लेना है। रीसेट होने के बाद जब आपका मोबाइल ऑन होगा तो सारा जो सिस्टम है आपका रीसेट हो जाएगा, जैसा था वैसे ही हो जाएगा। मीन्स छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपसे सेटिंग बिगड़ती है या ऑटोमेटिकली किसी ऐप्स के यूज करने से बिगड़ती है तो वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। बस दोस्तों इतना कर लीजिएगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये वीडियो दोस्तों मैं बहुत दिन से बनाने की सोच रहा था और ये वीडियो बना लिया। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिएगा, वंदे मातरम।